मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12 वाले सभी छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। और आज हम कल के चैप्टर को इंट्रोडक्शन को आज आगे बढ़ाएंगे। कल तब तक मैंने आपको समझाया था लैंगिक वाले जनन के टाइप्स, और लैंगिक जनन आपको समझाया कि लैंगिक जनन किस तरह होता है, तो हम आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। कृपया आपको उसको ध्यान से सुनिए, उसको समझ में आया फिर से समझने की कोशिश करिए। वो जो ना लिख पाए तो उसको फिर से आप नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते। तो जनन हमने पढ़ाया था कि अपने जनन क्या है, अपने ही समान संतान को उत्पन्न करना ही क्या है जनन है। और जनन के दो टाइप थे आपका, एक था लैंगिक जनन, एक था लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन में दो डिफरेंट जन्मों की आवश्यकता होती है, फ्यूजन से जो चीज बनती है उसे जायगोट बनता है, फिर उसे एम्ब्रियो बन जाता है, वो नई संतान उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि दो डिफरेंट जन्मों की आवश्यकता होगी, दो विभिन्न जन्मों की आवश्यकता होगी लैंगिक जनन में। जैसे नर और मादा, नर मादा नर से मेल गैमेट से बनता है, मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है मादा से। लक्षण क्या है लैंगिक जनन के, लेकिन बेहतर है इस स्थिति में
ना वो मादा हिमोग्लोबिन मॉडल ना वो मादा युग्मकों यानी कि जेनिट्स नहीं होती एकदम जेरोक कॉपी या क्लोन एकदम वो सब कुछ सेम नहीं होता उसमें क्या वेरिएशन आ जाती है विभिन्नताएं आ जाती है। वेरिएशन आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स आपका चैप्टर है, उसमें आनुवंशिकी में आपको पढ़ाया जाएगा वेरिएशन क्या है, हेरिडिटी क्या है, उसके थ्रू क्या होता है कि जब लैंगिक जनन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो संतान उत्पन्न होती है उनमें विभिन्नताएं होती है। हूबहू वो अपने माता पिता के समान नहीं होते, जैसा कि आपने सुना होगा तो कुछ सिमिलैरिटी आती है और डिफरेंट अधिकतर क्या होती है सिमिलैरिटी होती है बट डिफरेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, दूसरे से वेरिएशन आ जाती है। देखा होगा कि जब कोई भी चाइल्ड बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं उसकी नाक उसकी माँ से मिल रही है, उसके हाथ पैर उसके पापा से मैच कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा क्या होता है सिमिलैरिटी भी है डिफरेंट भी आ जाती है, तो हूबहू एक जैसे नहीं होते एकदम अपने माँ बाप के समान नहीं होती सकता। तो उसमें चौथा लक्ष्य में यही कहा गया कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है उसमें विभिन्नताएं आ जाती है।
बच्चा होता है जो चाइल्ड होता है संतान उत्पन्न होती है आपकी जो संतति होती है संतान उत्पन्न होती है उसमें भिन्नताएं आती है मगर मोस्टली अपने माँ बाप के समान ही होते हैं नाक कान मुंह जैसे कहते हैं नाक समान है कान पापा के जैसा है नाक मम्मी की जैसी है तो जस्ट लाइक ऐसे हो जाता है तो सिमिलैरिटी भी आपकी डिफरेंसेज भी होती है वेरिएशन भी आ जाती है सिमिलैरिटी भी आती है तो आधी काम करके आपको समान ही होते हैं अधिकतर कैरेक्टर क्या होती है माँ बाप से बच्चों में आ ही जाते हैं अधिकतर समान ही होते हैं अपने माँ बाप फोर्थ कैरेक्टर है आपका हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में यानी कि उच्च पादपों में उच्च जंतुओं में पाए जाते स्टडी करेंगे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे 10+2 अभी से आपको अपने इंग्लिश का कमांड करना पड़ेगा तो जो टर्मिनोलॉजी है साइंस जब वो बायोलॉजी हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको टर्मिनोलॉजी वर्ड्स जो है आने चाहिए इससे आपको फर्दर एग्जामिनेशन की जो नीट वगैरह के एग्जाम देंगे जो बीटेक वगैरह का एग्जाम देते हैं उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जो आईआईटी के बच्चे होते हैं और जो बायो के बच्चे होते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी इसीलिए एग्जाम देते हैं उनकी टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो आपका टर्मिनोलॉजी जरूर पढ़ें इंग्लिश वर्ड को जरूर यूज करें उसको अपनी कॉपी पर जो आप नोटबुक पे आप नोट्स बनाते हैं उस पर जरूर लिखें हिंदी लिखें उसके नीचे आप इंग्लिश जरूर लिखें जिससे आपको हैबिचुअल हो जाए जिससे आपको आगे पढ़ने में आगे की स्टडी में आपको बहुत आसानी होगी क्योंकि फर्दर स्टडी हमेशा मोस्टली इंग्लिश में ही आपकी तो आपको इससे वहाँ प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप मोस्टली जो इतने वर्ड्स हैं टर्मिनोलॉजी है बायो की हो चाहे केमिस्ट्री की हो चाहे फिजिक्स की उसको जरूर आप अपनी नोटबुक में लिखा करिए उसको प्रैक्टिस करिए पढ़ा करिए क्योंकि आपको लिए बहुत हेल्प होगी अलग जन्म के लक्षण को इसमें आपको मैंने बताया कि इसमें एक ही जन्म होता है संतान का एक ही जन्म होता है
दूसरा इसका लक्षण है आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ पढ़िए उसको, बारीकी के लिए बात और इसके नोट्स बनाइए।